बांग्लादेश ने टीम इंडिया के कप्तान कोहली को किया नाम में दम। वेबसाइट कर दी हैक। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का वेबसाइट हैक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह काम बांग्लादेश के हैकर्स ने किया है। हैकर्स ने कोहली की वेबसाइट को हैक कर उसमें बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज लिटन दास के आउट होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने ICC से माफी मांगने को कहा है। हैकर्स ने संदेश लिखा, डियर ICC, क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं है। क्या हर टीम के बराबर अधिकार नहीं होने चाहिए? ICC ये बताए कि लिटन दास कैसे आउट है। अगर ICC ने पूरी दुनिया के आगे लिखित माफी नहीं मांगी और अंपायर के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया तो ऐसे ही वो साइट हैक करते रहेंगे। बता दें, बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने फाइनल में जबरदस्त पारी खेलते हुए 87 गेंदों में शतक जमाया था। उन्होंने इस मैच में 117 गेंदों पर 121 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा। हालांकि वे टीम इंडिया के चाइना मैन कुलदीप यादव की गेंद पर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। थर्ड अंपायर का ये फैसला थोड़ा विवादित था, जिससे बांग्लादेशी फैंस काफी नाराज हुए थे। गौरतलब है कि एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने टॉल हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में टीम इंडिया को जीत के लिए 223 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। बता दें कि बांग्लादेश के एक अखबार के मुताबिक हैकर्स ने खुद को साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस CSI ग्रुप का बताया है। हैकिंग ग्रुप के मुताबिक विराट की वेबसाइट को हैक करने मकसद भारतीयों का अपमान करना नहीं है। हैकर्स ग्रुप ने लिखा है, भारत के मेरे बहनों भाइयों, जरा सोचिए अगर आपकी टीम के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते। हर देश की टीम के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।